हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 1.5% की बेहतरीन रैली कल के दिन में देखने को मिली है। बाजार अच्छे मूड में देखने को मिला है, हमें बाजार का मोमेंटम काफी कुछ संभला है। 15,150 का हाई लगाया बैंक बाजार ने, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 1272 पॉइंट्स हमारा उछला है कल के दिन में, और ये एक अच्छे लेवल से हमारे सामने, जो कि बैंक निफ्टी को लगातार अंडरमाइन किया जा रहा था, अंडर वैल्यूड देखा जा रहा था, और ये एक बड़ा कारण था कि बैंकिंग सेक्टर में घुसने से लोग डर रहे थे। बट अब जिस तरह की रैली निफ्टी बैंक में आई है और निफ्टी 50 में एक बेहतरीन रैली देखने को मिली है, लगता है कि बाजार कहीं ना कहीं बाजार बुलिश होने की संभावना रखता है। आने वाला हफ्ता हमारा कैसा होने वाला है बाजार के पर्सपेक्टिव से देखें तो पीएनबी में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ओशो कृष्णन की अगर हम माने, जो आनंद राठी के में काम करते हैं, जो एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि पीएनबी काफी बुलिश होने वाला है आने वाले दिनों में, और शॉर्ट टर्म का एक अच्छा टारगेट उन्होंने दिया है। यहाँ पर बात करेंगे क्या टारगेट है उन्होंने जो दिए हैं, पीएनबी में क्या लेवल्स आ सकते हैं, हमारे सामने खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, और जिस तरह का हायर हाइस चार्ट बना रहा है हमारा बाजार, आप देख सकते हैं कि हमारे जो चार्ट है, चार्ट में साफ तौर पर यहाँ पर एक बना हमारा, और उसके बाद ये बनाया हमारे लेवल्स में, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लो जरूर था क्योंकि अर्निंग एक्सपेक्टेशन वगैरह काफी आई क्यूआईपी की वजह से, बट दोबारा से अब यहाँ पर जर्नी हायर हाइज की स्टार्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं चार्ट में हमें अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है, और ये एक बड़ा कारण है, ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर बाय कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बात करेंगे टारगेट की, बात करेंगे खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, बात करेंगे टारगेट्स क्या होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पीएनबी की तो पीएनबी में एक हफ्ते में अगर हम बात करें, पिछले एक हफ्ते में तो 3.5% का मूव यहाँ पर, 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न आपको मिला है यहाँ पर, यानी कि स्टॉक ने लास्ट वीक में यानी इस हफ्ते में 17 तारीख से 22 तारीख तक एक अच्छे मोमेंटम में रहा है। जो प्रिडिक्शन थी हमारी, जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखने को मिली है पीएनबी से। दो बड़े इवेंट थे इस हफ्ते में जैसा हमने बात किया था, एक तो Q4 के अनाउंसमेंट थी कि Q4 के नंबर्स कब तक आने की चांसेस हैं, और दूसरा था QIP के थ्रू कंपनी ने 1860 करोड़ के आसपास का पैसा रेस किया यहाँ पर, और उसके बाद अक्सर यहाँ पर गिरावट होने के चांसेस है। बट एक अच्छी चीज जो पीएनबी में है वो ये कि बाइंग बहुत अच्छी आती है यहाँ पर, जैसे ही गिरावट होती है बाइंग बहुत बेहतरीन आती है। अगर आप देखेंगे तो 186 मिलियन शेयर्स यहाँ पर कल के दिन में ट्रेड हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई बाजार में आई भी है उसको कहीं ना कहीं ऑब्जॉर्व कर लिया गया है। यहाँ बड़े प्लेयर्स हो, छोटे प्लेयर्स हो, छोटे रिटेल इन्वेस्टर हो, उन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी जम करके की है। स्टॉक अच्छा है क्योंकि ये चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए कि पीएनबी का जो स्टॉक है हमारा, वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मोमेंटम में है, अभी अंडर वैल्यूड है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप 2,000 रुपए भी लगा रहे हो पीएनबी में तो इसका मतलब है कि आप पीएनबी को रख रहे हो काम पर, पीएनबी आपके लिए 2,000 रुपए में काम करेगा और प्रॉफिट बना के देगा आपको 2,000 रुपए में। तो उस नजरिए से अगर आप देखोगे तो पीएनबी के पास ब्रांचेज बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, एटीएम बहुत अच्छा है, और जो अभी रिसेंटली जो खबर आई थी पीएनबी में कि कंपनी जो है, बैंक जो है, वो डिजिटलाइजेशन के उसमें जा रहा है, डिजिटाइज किया जाएगा सभी प्रोसेस को, लोन का हो गया हमारा या अकाउंट ओपनिंग का हो गया या कंप्लेंट रजिस्टर का हो गया, वो सारा व्हाट्सएप पर किया जाएगा, व्हाट्सएप पर किया जाएगा या ऐप बनाई जाएगी, दोनों ही चीजें किया जाएगा। जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव वगैरह कॉल करना पड़ता है, बात नहीं हो पाती है, अब उसको व्हाट्सएप पर किया जाएगा, एंड लोन वगैरह के अप्लाई करने के लिए अब एक ऐप बनाया जाएगा या ऑनलाइन किया जाएगा सारी चीजें, ताकि आपको बैंक ना जाना पड़े। तो वो एक अच्छी प्रोसेस थी, उसकी उस खबर का भी काफी अच्छा असर पड़ा है यहाँ पर। बाकी अगर हम लेकर के चले आपको ओशो आनंद की खबर पर, तो जो आनंद राठी के यहाँ काम करते हैं ओशो कृष्ण, उन्होंने ये टारगेट्स आपको दिए हैं फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। पीएनबी हैज बीन ट्रेडिंग इन अ साइकिल ऑफ हायर लोज फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स एंड इज करंटली प्लेस नियर द क्लस्टर ऑफ इट्स मेजर मूविंग एवरेज ऑन द डेली टाइम फ्रेम वेल अबव द अनफिल्ड गैप सजेस्टिंग स्ट्रेंथ एट लोअर लेवल्स ऑन द ऑस्किलेटरी फ्रंट। 14 पीरियड आरएसआई अगर हम देखें यहाँ पर, तो हैज सीन सम रिसर्जेंस फ्रॉम द लोअर रीजन ऑफ 33-39 एंड इज नाउ comfortably placed with positive crossover soaring northward affirming that near trend to remain upward। जो near trend है हमारा वो upward रहने के chances है, यानी कि chart pattern जो है हमारा वो upward रहने के chances हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर lower levels पर लगातार यहाँ पर pressure buildup होता है, but फिर भी RSI एक अच्छे momentum में है, MACD एक अच्छे momentum में है, और उसकी वजह से stock हमारा lower highs बना रहे हैं, जो low है ये higher बनते जा रहे हैं लगातार, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया ये हाइयर बनते जा रहे हैं, और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पीएनबी को लेकर के सिर्फ ओशो कृष्णा ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं।
जब पीएनबी में गिरावट नहीं हुई थी लॉकडाउन के पहले की अगर हम बात करें तो संजीव भाषण साहब ने पीएनबी को लेकर के 54 का टारगेट दिया था यहाँ पर, तो अच्छे लेवल्स यहाँ पर आते रहे हैं लगातार और उसका असर आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। Q4 के नंबर्स की अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है और डेट कब तक आएगी वो भी नहीं पता चला है। जब भी जीएम होता है जनरल मीटिंग होती है वहां पर डेट अनाउंसमेंट होगी, बट फिर भी अगर आप देखें तो पीएनबी के लेवल्स अच्छे हैं, पैसा रेज कर किया जा चुका है, Q4 का इंतजार रहेगा। अभी बुलिशनेस आना स्टार्ट हो चुकी है, बाय कॉल आना शुरू हो चुका है, खरीदारी करने की मेरी भी यहाँ पर सलाह रहेगी आपको। बाजार का मूड काफी बेहतरीन हो चुका है, कोविड केसेस की अगर हम बात करें तो लगातार नंबर्स घटते हुए देखने को मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो 4 लाख से नीचे आए पहले, फिर 3 लाख से नीचे आ चुके हैं अब, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ केसेस, रिपोर्टेड नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं हमारे। एक चीज जो बहुत ही देखने वाली है वो ये कि डेथ रेट अभी भी उतना का उतना ही है। 4 लाख केसेस आ रहे थे तब भी 4,41 लोगों की डेथ हो रही थी, अब 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं तब भी इतने ही लोगों की डेथ हो रही थी। या तो नंबर्स को छुपाया जा रहा है कहीं ना कहीं, या तो नंबर्स को बताने से इग्नोर किया जा रहा है। कोई भी बात हो, पॉलिटिकल है, हमें उसमें नहीं पढ़ना है, बट स्टिल नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं लगातार। दूसरी चीज अगर हम देखें तो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में लगातार एक तेजी देखने को मिली है, बट खबर अच्छी है ये है कि यहाँ पर COVID-19 कम होगा तो म्यूकरमाइकोसिस अपने आप कम होता हुआ देखने को मिलेगा और डेथ रेट भी यहाँ पर कम हुआ है। म्यूकरमाइकोसिस में पहले 50% मोर्टालिटी रेट था, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1-2% के आसपास का डेथ रेट है। पहले की बात करें तो पहले की अपेक्षा यहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस में भी काफी तेजी है कि नंबर ऑफ केसेस में, बट डेथ रेट में काफी कमी है, तो सुधार यहाँ पर भी है। तो मार्केट का मूड इस हफ्ते भी काफी कुछ अच्छा रहने वाला है। Q4 के नंबर्स अगर इस हफ्ते में आते हैं हमारे सामने तो वो एक बड़ा इवेंट होगा, अदरवाइज जो पीएनबी है वो मार्केट ड्रिवन ही रहने वाला है, मोस्टली मार्केट के मूड के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि पीएनबी किस तरह से जाएगा हमारा। एक लेवल जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर वॉच करना है वो आप ये देखिए कि यहाँ पर भी स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की है, यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की है यहाँ पर भी, और अब दोबारा से वो उसी रेजिस्टेंस के पास आकर के अटका हुआ है। तो 38.40 रुपए का जो रेजिस्टेंस है हमारा, इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो आपको खरीदारी करनी है यहाँ पर, अदरवाइज अभी रुके रहना है, बने रहना है बाजार में। जो ये न्यूट्रलिटी है पहले इसे ब्रेक होने का वेट करना है। 38.40 रुपए के ऊपर की खरीदारी करो तो ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैग्डी हमारे अच्छे पोजिशन में इस समय पर, RSI की बात करें तो RSI भी हमारा 57 का है। ओवरऑल बाइंग चार्ट पैटर्न है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। एक बड़ा इवेंट Q4 का है वो आपको वॉच करना है, अदरवाइज मार्केट ड्रिवन रहने वाला है हमारा, और मार्केट को लेकर के खबरें जो है वो काफी कुछ अच्छी हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल बाय कीजिए, स्टॉक को बाय करने की सलाह मेरी रहेगी। 42 का शॉर्ट टर्म का टारगेट होने वाला है, 56 का हमारा यहाँ पर टारगेट है फॉर लॉन्ग टर्म, एंड लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने की मेरी सलाह भी रहेगी। शॉर्ट टर्म थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट स्टिल लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।